ब्लैक शर्ट पीछे आ जाओ। ओके डन सर। सर इधर आ जाओ सर, आप इधर आ जाओ सर। अरे हेलो हेलो अरे हेलो प्रक्रिया सर हिंदी सर। हाँ ठीक है सर। हम सब जानते हैं कि ये शहर हैदराबाद के शहर में और गच्चीबौली साइबराबाद राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुंच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये तीन कमिश्नरेट जो का एरिया है करीब करीब 7500 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीए ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना खराब होता जा रहा है। तो इसमें दो तीन बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं, अगर रोड ये ज्यादा व्हीकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स। हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो है उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ है उस पर कपड़े बेचने के दुकान छोटे छोटे ये दूसरे बंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप पर वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है, रोप का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे अफसरान जो है ट्रैफिक पुलिस में हर रोज
हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे और फुटपाथ के जो इनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये इनक्रोचमेंट आने के बाद क्या होता है, दुकान जो दुकानें आ जाती हैं उसमें खरीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियां रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है वो और कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से हमको ये इनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा और ऑपरेशन रोक के जरिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोक बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो है सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ और इसको टोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर हाई डेंसिटी कॉरिडोर है जो साइबराबाद गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है, पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है, तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस बेस बस स्टॉप्स के आगे जो जगह है उसको खाली रखना चाहिए, ऑटो वालों का पार्किंग जो है उनको दिखाना चाहिए कहाँ कहाँ पार्किंग कर सकते हैं, ये नहीं होना कि ऑटो कहीं भी रोक दे उसको, जहाँ मर्जी है वहाँ रोकने से क्या होगा, फिर सब लोग फिर से ये ट्रैफिक जाम का मसला अपने आगे आएगा। तो यही नहीं, हम और एक चीज का जाहिरा किए हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है उसके जरिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जेड प्लस कैटेगरी के जो है चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, उनके लिए हम ट्रैफिक क्लियरेंस देते हैं, पर अभी आप देखे हैं कि 1500 से ज्यादा साइरेंस हमने सीज किए हैं। हर तरीके के लोग, बिजनेसमैन हो, थोड़े एक्स एमएलएस हो या कोई भी हो, सरपंच हो, कॉर्पोरेटर हो, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में साइरन लगाकर जंक्शन आते ही साइरन डालकर हमारे होमगार्ड्स, कांस्टेबल्स और अफसरान जो है ट्रैफिक के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं साइरन डालकर कि हमको जाना है, मैं वीआईपी हूँ। जैसे सबका वीआईपी कल्चर जो है वो बहुत उसकी तरफ से बहुत ही दिक्कत हो रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि साइरन हो या रेड लाइट हो या ब्लू लाइट, ये सब इलीगल है, ये कानून गैर कानूनी काम है ये लगाना। तो अब से हम ट्रैफिक का स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं, एक महीने में करीब करीब 1500 साइरेंस को सीज किया गया है, आगे चल के भी ये साइरेंस पे हम स्पेशल ड्राइव करते रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो है सिग्नल का टाइमिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब हमको कुछ वीआईपी का मूवमेंट करना है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए या चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट हो, उस समय ही हम थोड़ा ग्रीन सिग्नल या सेमी ग्रीन चैनल का हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ के एमएलए साहब जो है कौसर साहब, उनको मैं बोला था कि वो भी आए, वो बोले थे कि आएंगे पर ऐन मौके पर वो आए नहीं। मैं क्यों नहीं आए मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंदाजी उन्हीं की तरफ से होती है ज्यादातर। वो अपने कॉर्पोरेटर के साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कि एक वोटर हमारे वोटर है, गरीब लोग हैं, ये बोलना शुरू करते हैं कि मुझे बताइए कि इसमें कौन गरीब लोग है, कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे, ये कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, वो अपने फुटपाथों पे बैठ के उनकी क्या मजाल है कि हमारे फुटपाथ पर बैठ के अपना जिंदगी गुजारे और यहाँ पे ट्रैफिक का मसला खड़ा करे। तो मैं हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ, एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो,
कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वाले भी इसमें हाथ देंगे, सभी का साथ दो, और अगर साथ नहीं देंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, ट्रैफिक जाम होगा तो आप चिल्लाएंगे फिर ट्रैफिक अच्छी से नहीं चल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी आगे से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक का मसला आएगा, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उससे कम हो जाएगी। तो सबको मैं गुजारिश करता हूं कि वो सब आगे आए और हमारा साथ दे ट्रैफिक मैनेजमेंट में।